संदीप सिंह, वो शख्स जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूनरल, उनकी डेथ, उनके पोस्टमार्टम के टाइम पर सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज में रहा, संदीप सिंह, जिसने पोस्ट के जरिए बताया कि किस तरह से सुशांत को लॉन्च करके डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे थे, संदीप सिंह जिसने ये बताया कि वो सुशांत के कितने अच्छे दोस्त थे, संदीप सिंह जिसने ये तक कहा कि अंकिता लोखंडे ही सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उनकी पत्नी थी, उनकी मदर की तरह थी और रिया चक्रवर्ती को वो जानते तक नहीं। उस संदीप सिंह के बारे में सुशांत सिंह राजपूत की एक जो फैमिली फ्रेंड है, जिसने मीडिया में आकर काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं, उसने संदीप सिंह को लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं। उसने कहा है कि संदीप सिंह कौन है, क्या करता है और क्या वो सुशांत का दोस्त है, ये बात सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को पता ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की बहनें और उनके फादर सुशांत सिंह राजपूत के सभी फ्रेंड्स और उनके ग्रुप को जानते थे, लेकिन संदीप सिंह नाम के शख्स को कोई जानता ही नहीं उनकी फैमिली में। सबसे बड़ी बात कि संदीप सिंह जो इस पूरी मीडिया कवरेज में सबसे आगे थे, उसके लिए कहा गया कि ये संदीप सिंह की पीआर एक्टिविटी थी और संदीप सिंह अपना पीआर साथ में लेकर आए थे और सबके साथ खड़े हो होकर गले में हाथ डालकर संदीप सिंह ने ये पिक्चर्स जबरदस्ती क्लिक करवाए थे। इसके अलावा संदीप सिंह को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। संदीप सिंह के अगर इंटरव्यूज देखे जाए तो उन्होंने हर बार अपने बयान बदले हैं। पहले उन्होंने इंडस्ट्री में सभी लोगों को क्लीन चिट देने की कोशिश की, उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को मर्डर मान लिया और सबसे बड़ी बात कि संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए या क्रिमेटोरियम तक ले जाने के लिए जिस तरह से हाईलाइट हो रहे थे, फैमिली को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि ये संदीप सिंह है कौन। एक और बात जो सामने आई है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत के एक फ्रेंड ने मीडिया में इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिशा सालियान की मौत से लेकर सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे बात की थी और सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें बताया था कि ये मर्डर है और मैं जानता हूं कि उसके साथ किसने बुरा किया है, उन लोगों को मैं एक्सपोज करूंगा। इस कॉन्वर्सेशन में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने उस दोस्त को संदीप सिंह के बारे में बताया था और कहा था कि संदीप सब जानता है, मैंने उससे सब डिस्कस किया है और वो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सब चीजें अरेंज करेगा। तो कुछ इस तरह की बातों में अब संदीप सिंह का नाम आ रहा है। पुलिस को संदीप सिंह को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा है जो संदीप सिंह जानते हैं जो बता नहीं रहे हैं, क्या अपनी बातें करके संदीप सिंह इस केस को ठंडा कर रहे हैं, हल्का बना रहे हैं या लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने करियर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब बातों का खुलासा संदीप सिंह से कड़ी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही चलेगा।